हेलो ब्रदर्स, गुड मॉर्निंग। हमने अपने लास्ट वीडियो नंबर 14 में ब्रायोनिया पार्ट 1 में ब्रायोनिया केस को डिस्कस किया था, उसे एनालिसिस किया था और उसके रूब्रिक को एक्सप्लेन किया था। ब्रायोनिया को क्यों एक बिजनेसमैन कहा जाता है, क्यों उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्राई होती है, हमने इसे भी समझा। अब हम ब्रायोनिया पार्ट 2 में एक केस को डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे और रूब्रिक को समझेंगे। आवर मास्टर डॉक्टर सहगल हैज गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक, अ वेरी यूजफुल रूब्रिक, एंड दिस इज फियर ऑफ सफरिंग चूजेज द लेसर इविल, एंड दिस रूब्रिक इज फाउंड ओनली इन ROH सीरीज बुक्स रिटन बाय डॉक्टर सहगल। दिस इज नॉट अवेलेबल इन एनी रेपर्टरी। सो टूडे वी शैल ट्राई टू डिस्कस दिस रूब्रिक इन डेप्थ। हमने अपने लास्ट वीडियो नंबर 13 में लाइकोपोडियम केस में फियर ऑफ पेन को समझा था और नंबर 14 में ब्रायोनिया के केस में फियर ऑफ सफरिंग को समझा था, और ये दोनों ही रूब्रिक बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। इसीलिए आज हम इन दोनों रूब्रिक के बीच में DD करेंगे, जिससे हम आने वाले पेशेंट में इसको ईजिली अप्लाई कर सके। नाउ कम टू आवर मेन टॉपिक। मेल पेशेंट, एज अप्रोक्स 40, सफरिंग फ्रॉम IBS, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। पेशेंट कहता है कि सर, पेट में बहुत गैस एसिडिटी बनती है, खाना भी ठीक से नहीं पचता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, शुरू से ही मेरा डाइजेशन कमज़ोर है। मैंने पूछा, ठीक है और कुछ? पेशेंट ने कहा कि सर, अभी तो मेरी एलोपैथिक दवा चालू है पर वह मुझे बहुत हार्ड लग रही है, मेरा शरीर भी ऐसा ही रहता है, बीमारी के कारण मेरा वजन भी नहीं बढ़ता है, 50 किलो के ऊपर कभी जाता ही नहीं है। मैंने पूछा, भूख कैसी लगती है, खाना पीना ठीक से होता है? सर, खाना पीना ठीक से खाता हूँ, ध्यान देता हूँ, पर वजन बढ़ता ही नहीं है, बाकी तेल घी मिर्च मसाला मैंने खाना ही बंद कर दिया है कि तकलीफ बढ़ जाएगी। इस पेशेंट का ध्यान बार बार अपने वजन पर जाता है। जब भी पेशेंट आता है तो हर बार अपने वजन को वेट मशीन पर चेक जरूर करता है। अब हम लोग पेशेंट की बातों को एनालिसिस करेंगे, उसे रूब्रिक में कन्वर्ट करेंगे। द रूब्रिक्स आर डिल्यूजन पुअर ही इज, केयरफुल, फियर ऑफ सफरिंग, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज ऑल रूब्रिक्स इन आवर लास्ट वीडियो, तो भी हम इसे यहाँ पर शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। रूब्रिक नंबर 1, डिल्यूजन पुअर ही इज। पुअर मीन्स लैक ऑफ समथिंग, अर्थात किसी चीज की कमी है, और यह कमी कुछ भी हो सकती है, जैसे मनी, नॉलेज, हेल्थ इट्सेट्रा। यहाँ पर पेशेंट अपने डाइजेशन को पुअर समझता है। द नेक्स्ट रूब्रिक केयरफुल। केयरफुल मीन्स द ट्रेट ऑफ बींग कॉशियस, बींग अटेंसिव टू पॉसिबल डेंजर, अर्थात किसी काम को करते वक्त ज़्यादा ध्यान देना, सावधानी बरतना। पेशेंट यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों को लेकर ज़्यादा ध्यान रखता है, ज़्यादा सावधानी बरतता है। द नेक्स्ट रूब्रिक इज फियर ऑफ सफरिंग। सफरिंग मीन्स अ स्टेट ऑफ अंडर गोइंग डिस्ट्रेस, पेन, अर्थात तकलीफ का होना, दिक्कत का होना, अर्थात पेशेंट के मन में तकलीफ वाली अवस्था का, दिक्कत वाली अवस्था का डर मन में बैठा रहता है। पेशेंट कहता है कि तेल घी मिर्च मसाला ज़्यादा खाऊंगा तो तकलीफ बढ़ जाएगी। द नेक्स्ट रूब्रिक एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट। हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ वेल बींग। यहाँ पर पेशेंट का ध्यान अपने डाइजेशन पर जाता है, अपने शरीर के वजन पर बार बार जाता है, इसलिए वह बार बार अपना वजन चेक करता है। द सेकेंड केस, मेल पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस। पेशेंट कहता है कि सर, हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हाथ पाँव कभी ठीक रहता ही नहीं है,
चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मैं बहुत कम चलता हूँ, ध्यान रख कर चलता हूँ, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा, इसलिए मैं संभल कर चलता हूँ। सर, दर्द के कारण मेरा शरीर भी बहुत कमज़ोर रहता है। शरीर अच्छा रहे इसीलिए मैं खाने पीने पर बहुत ध्यान देता हूँ और हल्की कसरत भी कर लेता हूँ। इस तरह के पेशेंट अपने हेल्थ को, अपने शरीर को, अपने शरीर के सिस्टम को, अपने ऑर्गन को कमज़ोर समझते हैं और अपने हेल्थ की बहुत चिंता रखते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं। ध्यान रखने से मतलब है कि खाने पीने में ध्यान रखते हैं, चलने फिरने में ध्यान रखते हैं। उनके मन में डर होता है कि कहीं दर्द, कहीं तकलीफ बढ़ नहीं जाए। इस केस में भी ऊपर के चारों रूब्रिक ही आते हैं। यहाँ पर भी हमें पेशेंट की फीलिंग को समझना है, उसके शब्दों पर नहीं जाना है, क्योंकि फीलिंग अंदर सेम होती है पर अलग अलग पेशेंट उसे अपने अलग अलग ढंग से एक्सप्रेस करते हैं। पेशेंट ने कहा कि चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो भी मैं कम चलता हूँ, बहुत संभल कर चलता हूँ। द रूब्रिक इज केयरफुल, ज़्यादा चलूँगा तो दर्द बढ़ जाएगा। द रूब्रिक इज फियर ऑफ सफरिंग, दर्द के कारण शरीर बहुत कमज़ोर लगता है, पहले अच्छा था, डिल्यूजन पुअर ही इज। शरीर के लिए खाने पीने पर ध्यान देता हूँ और हल्की कसरत भी कर लेता हूँ। एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट। आज हम लोग अपने इस नए सेक्शन ब्रीफ केस में पेशेंट ने जो अलग अलग जगहों पर कहा उसे एक जगह ब्रीफ करेंगे, जिससे हम उसे आसानी से समझ सके, रिवीजन हो सके। केस नंबर 1, सर मुझे गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, खाना भी ठीक से नहीं पचता है, मेरा पेट शुरू से ही कमज़ोर है, मेरा शरीर ऐसा ही रहता है, इस बीमारी के कारण मेरा वजन बढ़ता ही नहीं है। अगर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, हल्की कसरत भी कर लेता हूँ, खाने पीने को लेकर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, मिर्च मसाला सब मैंने बंद कर दिया है जिससे मेरी तकलीफ बढ़े नहीं। केस नंबर 2, अर्थराइटिस पेशेंट ने कहा कि सर बहुत दिनों से दर्द है, मैं कभी ठीक रहता ही नहीं हूँ, चलना मुझे अच्छा लगता है पर मैं बहुत संभल कर चलता हूँ जिससे दर्द बढ़े नहीं, ज़्यादा चलूँगा तो तकलीफ बढ़ जाएगी, दर्द के कारण शरीर बहुत कमज़ोर लगता है, मैं संभल कर सब कुछ खाता पीता हूँ, अपने शरीर पर ध्यान देता हूँ, कसरत भी कर लेता हूँ। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट डिस्कशन। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में फियर ऑफ पेन और फियर ऑफ सफरिंग के बारे में डिस्कस किया था, उसे अच्छे से समझा था। अब इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच में डीडी करेंगे, जिससे हम गलत रूब्रिक को सेलेक्ट नहीं करें। नाउ फर्स्ट फियर ऑफ सफरिंग। फियर मीन्स इट इज अ डिसकम्फर्ट कॉज्ड बाई द थ्रेट ऑफ डेंजर, पेन और इविल। हियर वी कैन आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ फियर। सफरिंग मीन्स अ स्टेट ऑफ अंडरगोइंग पेन और डिस्ट्रेस। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जब पेशेंट आता है तो फियर ऑफ सफरिंग में क्या कहता है। सर मुझे कुछ ज़्यादा दर्द हुआ तो मैं अभी ही आपके पास में आ गई, क्योंकि रात होने वाली है, रात में आप सर मिलेंगे नहीं, रात में कुछ तकलीफ़ ज़्यादा हो जाएगी तो, अर्थात तकलीफ कहीं ज़्यादा न हो जाए। अब हम समझते हैं कि फियर ऑफ पेन का पेशेंट किस तरह कहता है। सर यह दर्द 6 बजे से चालू है और अभी 8 बज रहे हैं, सर आप 9 बजे निकल जाते हैं, सर अभी दर्द इतना ज़्यादा है तो रात कैसे निकलेगी, तकलीफ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब हमें कुछ कष्ट होता है और वह लिमिट में रहता है तो हम उसे सफरिंग कहते हैं। हम इस डीडी को इस तरह भी समझ सकते हैं कि शुरुआत में जब हमें कुछ कष्ट होता है तो वह हमारे लिए सफरिंग बन जाता है, पर वही कष्ट जब लिमिट से बाहर चला जाता है तो वह हमें यातना, वेदना, पेन देता है, दर्द देता है। जैसे कि
मुझे आपके घर आने के लिए बीच में दो जगह पूछना पड़ा। कुछ तकलीफ हुई पर आपके घर पहुंच गया। दिस इज सफरिंग। मुझे आपके घर आने के लिए चार पांच जगह पर पूछना पड़ा। तीन चार गली से होते होते बहुत मुश्किल से आपके घर पहुंचा। दिस इज पेन। ठीक इसी तरह पेशेंट कहता है कि सर मुझे ऐसी दवाई दीजिए कि मुझे घर भी जाना है, वहां पर जाकर के ज्यादा तकलीफ ना हो। फीलिंग ऑफ सफरिंग। सर मुझे ऐसी दवाई दीजिए कि मुझे गांव भी जाना है, वहां मुझे बहुत सारा काम करना है, सब लोगों को देखना भी है, सबका ध्यान रखना है, तकलीफ होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। दिस इज पेन। हमारे मास्टर डॉक्टर सहगल ने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूब्रिक दिया है। अगर हम इसे अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो केवल इस एक रूब्रिक पर हम मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर सकेंगे और हम इसके लिए उनके बहुत आभारी हैं। एंड दिस रूब्रिक इज फियर ऑफ सफरिंग चूजेज द लेसर इविल। इट इज प्रेजेंट ओनली इन ROH सीरीज रिटन बाय डॉक्टर सहगल, नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द रेपर्टरी। एंड दिस रूब्रिक कैन बी इजीली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ वन अनोदर रूब्रिक, दिस इज बारगेनिंग। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बारगेनिंग इन आवर सल्फर सीरीज वीडियो। फिर भी हम बारगेनिंग को छोटे में समझेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि फियर ऑफ सफरिंग में ब्रायोनिया किस तरह लेसर इविल को चूज करता है। ब्रायोनिया के मन में सफरिंग और बिजनेस दोनों ही ज़्यादा चलते हैं। जब तक सफरिंग कम रहती है तब तक वह काम चलाता है, क्योंकि दवा लेने में पैसा भी जाता है और समय भी जाता है। लेकिन जब सफरिंग बढ़ जाती है तब वह जाकर ट्रीटमेंट लेता है, दवा लेता है, नहीं तो बिजनेस में ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन धंधे में अगर नुकसान नहीं होने वाला है तो वह दवा नहीं लेगा, क्योंकि दवा लेने में पैसे भी जाते हैं, क्योंकि दवा लेने में पैसों का नुकसान हो जाएगा। कुछ पेशेंट ऐसा भी करते हैं कि अगर तकलीफ कुछ कम है तो दवा नहीं लेते हैं, कुछ आराम कर लेते हैं जिससे पैसा बच जाए और धंधा भी चलता रहे। लेकिन अगर दर्द ज़्यादा है तो दवा ले लेगा जिससे धंधे में ज़्यादा नुकसान न हो। यहाँ पर ब्रायोनिया लेसर इविल को चूज करता है जिससे उसका नुकसान कम से कम हो। यहाँ पर बारगेनिंग भी साथ साथ चलता है, क्योंकि बारगेनिंग में भी एक व्यक्ति अपने नफा नुकसान के बारे में सोचता है कि किस तरह उसका नुकसान कम से कम हो। अब हम बारगेनिंग को समझने की कोशिश करते हैं जिससे इस रूब्रिक को हम अन्य पेशेंट में यूज कर सके। बारगेनिंग मतलब दो व्यक्तियों के बीच किसी वस्तु को लेकर मोल भाव करना, अथवा अपने मन में दो परिस्थितियों के बीच, दो चीज़ों के बीच मोल भाव करना कि किस परिस्थिति में उसे कम नुकसान है और किस परिस्थिति में उसे ज़्यादा लाभ है। यहाँ पर पेशेंट दो परिस्थितियों के बीच सोचता है कि उसे क्या करने से अच्छा है, क्या करने से नुकसान कम से कम होने वाला है जिससे उसकी तकलीफ कम से कम हो। हेलो डॉक्टर, आई एम विथ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ होम्योपैथी एंड आई एम डॉक्टर मुकेश गांगानी। ओके, गुड बाय, सी यू अगेन विथ सम न्यू मेडिसिंस एंड सम न्यू रूब्रिक्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लाल बटन पर सब्सक्राइब करें और नए वीडियो पाने के लिए बगल में बेल को दबाएं, और वीडियो पसंद न आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में